मैं मतलब एक्टर हूँ बट एक स्टार बनना चाहता हूँ, तो आपका भी ऐसा कोई सपना था? अगर आपको मुझे तीन अक्षरों में डिस्क्राइब करना हो, तीन वर्ड्स में, तो वो क्या तीन वर्ड्स होंगे? एनिमल साउंड निकालो, मैं जिस एनिमल का नाम लूंगा आपको उसकी आवाज निकालनी है। क्या बोल रही है? वेलकम टू अनदर चैलेंज ऑफ तरुण खुराना व्लॉग्स। आज एक हम नया चैलेंज करने वाले हैं, वो भी अपनी मॉम के साथ। आई थिंक ये वाला जो चैलेंज है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने अपनी मम्मा के साथ किया होगा, बट मेरे एपिसोड में, मेरे व्लॉगिंग चैनल पे आज हम पहली बार करने वाले हैं। तो मम्मी बताओ आज हम क्या खेलने वाले हैं? आज हम खेलने वाले हैं रैपिड फायर, और जो तरुण मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मुझे उसके जवाब देने हैं जल्दी जल्दी, मैं दे पाऊँ। मम्मी इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको ये मैं समझाता हूँ कि जैसे मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूँ उसका जवाब ज़्यादा सोच समझ के मत देना, बट जनरली इससे ये भी होगा कि वी कैन नो ईच अदर बेटर, हम एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे जो चीज़ें मुझे नहीं पता, और हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं वाला राउंड, तो लेट्स स्टार्ट दिस रैपिड फायर विद मॉम। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे अगर पूछूं वो ये है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट था, सॉरी आप प्रेग्नेंट थे, तो क्या खाते थे आप, किस चीज़ की क्रेविंग होती थी? मुझे रात के समय ना, मतलब जब खाना वगैरह खा लेते थे तो मुझे जलेबी खाने की क्रेविंग होती थी। तो मैं इसके पापा को बोलती थी मुझे जलेबी खानी है, तो मुझे जलेबी अच्छी लगती थी उस दौरान। ओके, जलेबी, ठीक है। जब आप छोटे होते थे तो आपका कोई सपना था कि बड़े होके मुझे ये बनना है? हाँ, हर कोई चाहता है कि मुझे एक अच्छा, मतलब अच्छी एक वुमेन बनूँ, अच्छा एक अपने पैरों पे स्टैंड होकर काफी। वो तो जनरली हर एक वुमेन चाहती है, हर एक इंसान चाहता है कि, बट जैसे मेरे को है कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मतलब एक्टर हूँ बट एक स्टार बनना चाहता हूँ, तो आपका भी ऐसा कोई सपना था? नहीं, मेरा, मैं सच बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं था, बस एक अच्छा, इसके पापा मुझे अच्छे मिले और एक अच्छा लाइफ स्टाइल हुआ, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, तरुण मेरा बेटा एक एक्टर। ओके, अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं वो ये है कि अगर आपको मुझे तीन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करोगे? मतलब सेंटेंस मत बोलना, सिर्फ तीन वर्ड्स बताओ। स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और डेडिकेटिंग है, और हिंदी में भी बोल सकते हो, मतलब बड़ा प्यारा सा बच्चा है ही। गुड लुकिंग, स्मार्ट, और अपने काम को लेके काफी, मतलब एनर्जेटिक। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। थैंक यू सो मच मम्मा इतनी तारीफ के लिए। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं वो ये है कि अगर आपको किसी एक चीज़ का रेस्टोरेंट खोलना हो खाने बनाने का, तो वो किस चीज़ का खोलोगे? छोले भटूरे का। छोले भटूरे का, वो तो ऑलरेडी बहुत है दिल्ली में, बट बड़े पसंद है ना, इस करके मैं उसका रेस्टोरेंट खोलूंगी। ठीक है, वैसे बिकेंगे भी बहुत क्योंकि मम्मी बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनाती हैं। तो ओके, अब आपको अच्छा अपनी एक वियर्डेस्ट हंसी हंसनी है, आपको ऐसी हंसी जो बहुत ही कॉमेडी है, जो आप घर पे हंसते हो, आई थिंक सबको नहीं पता है, इस ऑडियंस को नहीं पता है, तो वो वाली हंसी अभी आपको लाउड हंस के दिखानी है। बकरी क्यों बन गए? घोड़ा और बकरी मिक्स करके आपने जो ओके, वेरी नाइस। तो अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं वो ये होगा कि डैडी की बेस्ट तीन क्वालिटीज क्या है? बहुत अच्छे हैं, और मेरा साथ देते हैं हर चीज में, और अच्छे फादर हैं, और अच्छे पति भी हैं, अच्छे फादर भी हैं, और मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा साथ, हेल्पिंग है। ये बात बिल्कुल सही है, आई डोंट नो हर एक डैड ऐसे हैं नहीं, बट मेरे डैड तो ऐसे हैं, उन बहुत हेल्पिंग नेचर है, मतलब मम्मी का एक ही चीज़ में हाथ बटाते हैं,
आई थिंक क्लीनिंग में भी हर एक डैड नहीं करता होगा, बट मेरे डैडी मम्मी की क्लीनिंग में, मतलब घर की हाउस होल्ड क्लीनिंग होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। किचन में तो हर मतलब करते ही होंगे पापा वगैरह, बट यहाँ डैडी घर की साफ़ सफाई में भी मम्मी की मदद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि गर्व की बात है, क्योंकि आजकल के हस्बैंड ऐसा नहीं करते, तो आप लोग को सीखना चाहिए जो भी ये देख रहा है। ओके, अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूँ ये है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी मेमोरी याद करनी हो बचपन की जिससे आपको बहुत हंसी आती है, तो वो क्या होगी? कोई एक ऐसा बहुत फनी मोमेंट आपकी लाइफ का। जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी, मेरा एक छोटा वाला भाई, मम्मी उसको मारने के लिए, मतलब वो तंग करता था तो वो भागता था आगे आगे, और मम्मी उसके पीछे पीछे डंडी लेके भागती थी। तो हम लोग वो सोच के, अभी हम आपस में सब लोग बैठते हैं तो हमें बहुत हंसते हैं हम लोग उस चीज़ को याद करके। वो पूरा, आप बताते थे कि वो पूरी गली में पूरा राउंड करते थे। हाँ, तो हम लोग उस चीज़ को, हम लोग बैठते हैं सब लोग तो उस मोमेंट को याद करके हम लोग हंसते हैं कि कैसा टाइम था। बट सही है, ऐसा चाइल्डहुड, आजकल के सारे बच्चे तो फोन में ही घुसे हुए हैं, तो उन्होंने तो ये चाइल्डहुड आई डोंट नो कभी जिया होगा नहीं। अच्छा, अगला सवाल, अगर आपको किसी बॉलीवुड एक्टर से शादी करने का मौका मिलता तो वो कौन होता डैडी के अलावा? अगर डैडी उस समय ऑप्शन नहीं होते तो कौन सा बॉलीवुड एक्टर होता जिससे आप शादी करना चाहते हैं? मुझे अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा लगता है अभी भी, मुझे मतलब मतलब मुझे अभी भी वो अच्छे लगते हैं, वो मैं उनकी मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ काफ़ी, मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। ओके नाइस, ठीक है। तो अगर आप मुझे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ पेयर अप करना चाहो, कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अभी आपको जो भी पता है, तो आप किसके साथ चाहोगी कि मेरी फिल्म आए? सबके साथ आ जाए। सबके साथ तो आ जाए, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस। दीपिका पादुकोण पसंद करता है। हाँ, मैं तो दीपिका पादुकोण पसंद करता हूँ, पर बताओ। मैं तो चाहती हूँ जल्दी जल्दी से आए गुरुजी, इसकी मेरा एक सपना है और वो जल्दी से। मेरा बेटा, हम रैपिड फायर खेल रहे हैं, इमोशन हमें नहीं दिखाना अभी, अभी तो जल्दी बताओ, एक नाम बताओ। नहीं बताओ, कुछ नहीं कट रहा। मम्मी कह रही काट दे काट दे। नाम जल्दी फटाफट, कैसा, क्या बताऊँ, आप बताओ। चलो जवाब आप दे देना, मम्मी बहुत इस समय कंफ्यूज हो रही है इस वाली राउंड, इस वाली उसमें क्या कहते हैं कि किसका नाम लूँ। मम्मी दीपिका नाम ले रही थी वैसे, बट आप बताना कि किसके साथ अगर ऐसा देखना चाहते तो कॉमेंट में बताना कि कौन सी ऐसी लड़की हो, जो एक्ट्रेस है जो मेरे साथ ब्यूटीफुल लगेगी। ठीक है, अगला सवाल आपका जो मैं आपसे पूछूँ वो ये है कि अगर आपको एक कोई एक्ट्रेस में से, जैसे पुरानी एक्ट्रेस जो हैं उनमें से आप किसके साथ शादी करना चाहते अगर आप लड़का होते तो? पुरानी एक्ट्रेस में से मैं शादी करना चाहती, अगर आप लड़का होते तो आप कौन सी एक्ट्रेस से शादी करना चाहते? मुझे मधुबाला बहुत अच्छी लगती है। मधुबाला, ओके नाइस। तो हमारा अगला, चलो मैं ये रैपिड फायर नहीं, मैं आपको इसमें से बोलता हूँ कि आप एनिमल साउंड निकालो, मैं जिस एनिमल का नाम लूँगा आपको उसकी आवाज़ निकालनी है। क्या बोल रही है? हाँ ठीक है, तो सबसे पहले डॉग। ऐसी करो बबो। ये क्या सर डॉग, ये कोको आ जाएगी। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अच्छा, बिल्ली। म्याऊ। घोड़ा। ऐसे आप करो। अच्छा, बकरी। आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, बट दैट वॉज वेरी नाइस, नेवर माइंड, बट अच्छी गेम थी मम्मी, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा नर्वस थे, थोड़ा सा शाय थे, बट कोई नहीं। तो इसके हैम्पर में आपको मैं गिफ्ट देता हूँ कि कल मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मूवी डेट पे, और कल हम जा रहे हैं मूवी देखने, तो ये सरप्राइज़ था। अगर मम्मी को मैंने पहले नहीं बताया तो मैंने अभी भी टिकट्स बुक करी हैं, कल हम सुबह मूवी देखने जा रहे हैं, 12 बजे का शो है। थैंक यू। तो आपको अगर गाइज आज का ये एपिसोड और ये चैनल मिला के पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मम्मी थोड़ी नर्वस थी, बट कोई बात नहीं,
जिन्होंने पहली बार ऐसा गेम खेला, तो शी प्लेड वंडरफुल। इनके लिए एक लाइक, एक कॉमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, यहीं एंड करते हैं। तरुण खुराना साइनिंग ऑफ टुडे। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।